हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 7। इस लेक्चर में हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स पढ़ा था, स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंटैक्स हम जानते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसे समझते हैं क्या है। तो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ स्विच है, उसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं, जिस एक्सप्रेशन को हम लोग इवेलुएट करते हैं। अगर वो एक्सप्रेशन का आउटपुट केस वन में लिखा हुआ है, वैल्यू वन है, उस एक्सप्रेशन का आउटपुट अगर वैल्यू वन के इक्वल है, तो केस वैल्यू वन के अंदर में जो भी कोड है उसे एक्सिक्यूट कर देगा। और ब्रेक है सो ऑप्शनल है, ब्रेक का क्या यूज़ है उसे मैं बता दूंगा। अब सेकंड उसके बाद आता है, अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो वैल्यू टू के बराबर है, तो केस वैल्यू टू के अंदर जो भी कोड होगा उसे एक्सिक्यूट कर देगा। इस तरह हम जितने चाहे उतने केस बना सकते हैं। और एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, कोई भी केस से सेटिस्फाई नहीं करता है एक्सप्रेशन को, तो कुछ ना कुछ आउटपुट देने के लिए हम एक डिफ़ॉल्ट केस देते हैं। ये हमारा सिंटैक्स है। तो स्विच रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। तो जो ये एक्सप्रेशन हमने लिया था, ये जो एक्सप्रेशन है स्विच का, ये एक्सप्रेशन हमेशा सी लैंग्वेज में या तो एक इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा। इसका जो भी एक्सप्रेशन है वो इंटीजर या कैरेक्टर होगा, हम स्ट्रिंग को नहीं ले सकते हैं। द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो ये सब रूल याद रखना पड़ेगा। तो केस वैल्यू भी इंटीजर या कॉन्स्टेंट ही, कैरेक्टर ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। द केस वैल्यू कैन बी यूज ओनली इन साइड द स्विच स्टेटमेंट। जो केस वैल्यू है वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ होगा। मतलब कि ये जो स्विच है, स्विच के बॉडी के अंदर ही केस को हम लोग लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी बनाएंगे। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज़ नॉट मस्ट। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज़ नॉट मस्ट, इट इज़ ऑप्शनल। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो डालते हैं हम लोग, वो ऑप्शनल है, वो चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। इसका यूज़ क्या होता है, If there is no break statement found in the case, all the cases will be executed present after the match case. तो इसका एग्जाम्पल मैं कोड की तरह आपको समझाऊँगा क्या होता है। चलिए अपना कोड देखते हैं, जैसे कि मैंने एक सैम्पल कोड बनाया है अभी, तो देखते हैं। हम अपना हेडर फाइल को लिखें, उसके बाद अपना फंक्शन, मेन फंक्शन को स्टार्ट किए, इंट रिटर्न टाइप को यूज़ किए, इसलिए रिटर्न जीरो यहाँ पर यूज़ किए। अपना मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट किए, सबसे पहले एक x int टाइप का डाटा टाइप का वेरिएबल को डिफाइन किए। यहाँ पे बेसिकली मैं किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का था कि अगर यूज़र है सो न्यूमेरिक वन इनपुट देता है, तो उसे वन आउटपुट स्ट्रिंग लिखा हुआ आना चाहिए। अगर टू इनपुट देता है न्यूमेरिक, तो उसे टू स्ट्रिंग आउटपुट देना चाहिए। इस तरह अगर फोर तक है तो फोर आउटपुट देना चाहिए, अगर फोर से बड़ा है तो ग्रेटर दैन फोर आउटपुट देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिथम ये है कि सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, जो वेरिएबल में जो यूज़र वैल्यू देगा उसे पुट करने के लिए। तो एक वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद उसे स्कैन किया, यूज़र को बोला कि आप उसका वैल्यू दो, फिर उस वैल्यू को स्विच के एक्सप्रेशन में डाला। ये जो एक्स है यही एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जब वन होगा, एक्स का वैल्यू जब वन होगा तो वन को प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू टू होगा तो टू को प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू थ्री होगा तो थ्री को प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू फोर होगा तो फोर को प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर इन सभी केस में से कोई भी केस सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ग्रेटर दैन फोर को प्रिंट करेगा कंसोल पे। यह हुआ और रिटर्न जीरो है। तो इसे रन करके देखते हैं, हमारा प्रोग्राम से रन कर रहा है या नहीं। तो अगर वन पुट करते हैं तो वन आया, फिर से रन करते हैं, अगर टू पुट करते हैं टू आया, फिर से रन करते हैं, अगर फाइव पुट करते हैं तो ग्रेटर देन फोर आया। हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। चलिए अब मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ समझाता हूँ। अभी हमने ब्रेक का यूज़ किया है, तो वन इनपुट लिया तो वन प्रिंट किया, टू इनपुट लिया टू प्रिंट किया, थ्री इनपुट लिया थ्री प्रिंट किया, फोर इनपुट लिया तो फोर प्रिंट किया, डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट किया। अगर मैं सब जगह से ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ, मतलब कि हटा देता हूँ, अब देखना, अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर मैं वन पे इनपुट देता हूँ
देखें 1, 2, 3, 4 और ग्रेटर देन 4 सभी को आउटपुट दे दिया। यही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि आपको जब जो भी केस सेटिस्फाई हो गया उसके बाद आगे किसी भी केस को चेक करने का परमिशन नहीं देता हमारे कोड को, वहाँ से ब्रेक कर स्विच से बाहर कर देता है, इसलिए हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। ये ब्रेक कीवर्ड बहुत यूज़ का है, हम जब लूप पढ़ेंगे तो लूप में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। फिर एक कंटिन्यू कीवर्ड भी होता है, तो मैं लूप में उसके बारे में अच्छे समझाऊंगा। तो ब्रेक का यही यूज़ होता है कि अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फर्दर कंडीशंस को ना चेक करें, फर्दर केसेस को ना चेक करें और हमारा स्विच से बाहर आ जाए। यही था हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस का यूज़ हम क्यों करते हैं? हम तो इफ एल्स से भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्विच केस का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट तब मानने पड़ता है जब हमें ज़्यादा बड़ा कंडीशंस को चेक नहीं करना पड़ता है। स्विच केसेस ऑफ इफ एल्स से ज़्यादा कम इजी होता है, कम टाइम को यूज़ करता है। जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें पता हमें चलेगा कि स्विच केस का यूज़ करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो कम टाइम यूज़ करता है। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट होता है इफ एल्स के संदर्भ में। हम लोग चाहे तो स्विच स्टेटमेंट को नेस्टेड भी कर सकते हैं, अगर हर एक केस के अंदर भी हम चाहे तो एक स्विच को यूज़ कर सकते हैं, जैसा हर एक जगह नेस्टेड यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इफ एल्स और स्विच में कुछ डिफरेंसेस। ये हमारा इफ एल्स, ये जो लाइन है ये इफ एल्स का है, ये स्विच का है। डेफिनेशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इफ द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इफ का इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट उसे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे स्विच में के यूज़र डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा बाय इनपुटिंग द वैल्यू। एक्सप्रेशन, इट कंटेंस आइदर लॉजिकल और इक्वालिटी एक्सप्रेशन। इफ एल्स में हम लोग इक्वालिटी और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी डालते हैं, मतलब कि एंड और एक्सप्रेशन जो होता है ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल टू एक्सप्रेशन होता है। लेकिन स्विच में इट कंटेंस अ सिंगल एक्सप्रेशन विच कैन बी आइदर अ कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू। ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन को इनपुट ले सकता है, जिस तरह से मैंने एक्स को लिया था वो एक इंटीजर था। इवेलुएसन, इट इवेलुएट्स ऑल टाइप ऑफ डाटा, सारे तरह के डाटा को ये इवेलुएट करता है इफ एल्स, बट स्विच है सो हमने जैसा देखा इंटीजर और कैरेक्टर को ही इवेलुएट कर सकता है। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, फिर उसके अंदर के इफ ब्लॉक, अगर इफ ब्लॉक का कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। स्विच केस में है कि इट एग्जीक्यूट वन केस, मतलब कि हर एक केस को एग्जीक्यूट करते जाता है जब तक ब्रेक ना आता हो, अगर ब्रेक नहीं आता है तो सारे केस को एग्जीक्यूट कर देगा। डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन, इफ़ द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन बाई डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और हमने स्विच केस में देखा है डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम देते हैं। एडिटिंग इज नॉट ईजी इन द इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सही बात है, इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही कम्प्लेक्स बन सकता है, लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो हर एक केस को एडिट कर सकते हो, ईजिली मेंटेन कर सकते हो। ये छोटे छोटे डिफरेंस है जिसके कारण जब छोटा प्रोग्राम बनाते हैं तो स्विच केस का यूज़ हम करते हैं। और सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट स्विच के साथ आती है वो है स्पीड। If there are multiple choices implemented through if else, then the speed of the execution will be slow. If we have multiple choices, then the switch statement is the best option as the speed of the execution will be much higher than if else. यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्विच केस के पास, अगर कि ये इसका स्पीड if else से ज़्यादा होता है तो बहुत सारे कंडीशंस में हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। यही हमारा छोटा सा स्विच केस पे वीडियो था। Don't forget to like, subscribe and share with your friends. हम अपने next lecture में मिलते हैं। Thank you for watching.